हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सबको हैप्पी होली। तो यहाँ पे अभी मैं खाना बना रही हूँ। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज होली का त्यौहार है, तो आप सबको हैप्पी होली और अंशु की तरफ से भी। तो जस्ट मैंने नाश्ता किया है और अभी अंशु को दे देती हूँ मैं कुछ खाने के लिए। और मैंने नाश्ता कर लिया है, आज मैंने पोहे बनाए थे नाश्ते में। और अभी आज मैं जल्दी लंच बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा डिश बनाना है जो होली के दिन हमारे इधर महाराष्ट्र में बनाते हैं ना, पूरन, उसको बोलते हैं पूरन पोली की थाली, तो बनाना है क्योंकि भगवान जी को नैवेद्य दिखाना होता है ना, इस वजह से फिर वो पूरा खाना पकाना होता है जितने। तो देखिए यहाँ पे मैं वापस किचन में आ गई हूँ। मुझे तो यहाँ पे मेरा दाल चावल पक्के हो गया और आलू की सब्जी। और ये देखिए मैंने अभी इसमें यहाँ पे कटाची आमटी बोलते हैं, वो आमटी हो गई, उसको वो मसाले की सब्जी होती है वो, तो उसको मैंने बना दिया है। और ये देखिए आलू की सब्जी है सूखी वाली, तो इसको भी मैं निकाल दूँगी अलग से। और साथ में पूरन पोली भी बनाऊंगी मैं। तो आप देखिए पूरा वीडियो कि आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ होली स्पेशल डिश। तो ये देखिए आधा मेरा खाना बन चुका है, अभी ये फ्रिज में से मैं धनिया पत्ती निकाल रही हूँ, तो धनिया भी मुझे साफ़ करना है साथ ही साथ। तो आपके वहाँ पे कैसे मनाते हैं होली मुझे बताना कॉमेंट करके। और मैंने अलग अलग नए वीडियो बनाया है, तो ये वाला व्लॉग आज है होली और दूसरे दिन का भी दोनों मिक्स करके फिर आज मैंने बनाया है, क्योंकि दो दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था इस वजह से। और देखिए और राइस भी बनके तैयार हो चुकी है, और दाल है, आलू की सब्जी और मसाले की सब्जी, ये बनके रेडी हो चुकी है। अब मुझे बस देखिए ये है पूरन, तो अभी मैं पूरन पोली बनाऊंगी। इसका मैं पहले डो बना के रख दूंगी। तो मैं पपीता काट रही हूँ और बहुत मीठा लगा था ये वाला, क्योंकि इसके पापा ऑर्गेनिक खेती से लेके आए थे, बहुत अच्छा पपीता था ये, तो मैं टेस्ट कर तो यही है। और कोई भी ऐसा त्यौहार होता है तो हमारे यहाँ स्पेशल महाराष्ट्रियन थाली बनती ही है, ऐसे मिठाई वगैरह नहीं लाते, कम ही लाते हैं। और अभी देखिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ और मुझे बहुत टेस्ट लगा। तो आप लोगों के वहाँ पे क्या क्या डिश बनता है मुझे बताना। और हमारे यहाँ तो अलग अलग टाइप की सब्जी और आलू की सब्जी तो होती है, आलू सब्जी और दाल चावल ऐसा, और प्रॉपर थाली मैं आपको बना के आज के वीडियो में बताऊंगी। तो यही है। और आपके वहाँ पे क्या क्या होता है त्यौहार के टाइम, अब मुझे बता, तो क्या क्या बनता है मुझे बताना। और यहाँ पे देखिए मैं ना काम भी कर रही हूँ और साथ ही साथ खा भी रही हूँ, और ऐसे ही चलता रहता है काम मेरा। और ये देखिए वापस आ गई हूँ मैं, अभी मेरा खाना ऑलमोस्ट सब
बन के रेडी हो चुका है और ये टाइम है 2:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और मैं थोड़ा देर से खाऊंगी आज खाना क्योंकि नाश्ता मैंने हैवी कर लिया था इस वजह से। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे 3:30 बजे आ गए थे, फिर उसके बाद हमने खाना खाया था। तो यही है, तो यहाँ पे मैं अभी कॉफ़ी बना रही हूँ और अंशु के लिए पावर वीटा बना रही हूँ। और ये देखिए यहाँ चीनी डाल दिया है दूध में, मैं अंशु को यही देती हूँ, बोर्नवीटा से ज़्यादा यही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो ये है पतंजलि का पावर वीटा, तो यही देती हूँ मैं इसको। तो और अंशु देखिए मेरा वेट कर रहा है और अंशु के सामने मैंने पोहे रखे थे और वह पोहे भी खा रहा था साथ ही साथ। और ये देखिए बाई आ चुकी है ना, उसके साथ में थोड़ा बातें कर रही हूँ। हाँ वो थोड़ी देर बाद आके चली गई थी, उसके बाद का है वो वापस आई थी, कुछ लेने आई थी शायद वापस, तो इसी तरह से मैं उससे बात कर रही थी, उसके कोई चीज़ रह गई थी। तो यही, और ये देखिए अंशु देखिए कैसे हंस रहा, और अंशु के साथ साथ मैं भी दूध पी रही हूँ। और कौन कौन लेडीज़ दूध पीते हैं मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि हम लेडीज़ के लिए दूध बहुत अच्छा होता है और सुबह और रात को लेती हूँ मैं, तो बताना मुझे कि कौन कौन लेता है दूध के साथ, कोई भी सप्लीमेंट कौन लेता है तो ये मुझे बताना। प्लेन दूध मुझसे नहीं पिया जाता, तो यही है। तो वापस मैं किचन में आ जाती हूँ अभी, और अभी मैं थोड़ा टाइम बाद शूट करूँगी, जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो उसके बाद मैं थाली लगाऊँगी, उसके बाद मैं शूट करूँगी थोड़ा बहुत। दाल पक चुकी है और इसके अंदर मैं हींग नमक और हल्दी पाउडर मिला दूंगी और पानी मिला के अच्छे से इसको घोट लूंगी। और चलो अभी प्रॉपर खाना, तो चलो पहले अभी खाना बना लेती हूँ मैं, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स हमारी थाली रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने बनाया है श्रीखंड है ये, और वरण भात, आलू की सब्जी, पूरी, पूरण पोली, कटाची आमटी और ये है कुरडई। और आज मैंने पकोड़े नहीं बनाए हैं, तो यही कमी है, बाकी प्रॉपर यही थाली होती है, तो आप भी खा लीजिए। तो ये देखिए इन्होंने कैसे कलर लगा दिया है मुझे।